सर, नेक्स्ट क्या टेक्नोलॉजी आप लाने वाले हैं जो आपको बहुत ही पसंद आई है वेस्ट में बाहर जाके, एंड वो आपके यहाँ का नाम है? अभी जैसे नी सर्जरी रोबोटिक्स होती है, वैसे दांत के भी इम्प्लांट का भी रोबोटिक्स यूएस में चालू हो गया है, तो वहाँ भी अभी भी नया है, अभी तक मैं वहाँ इसीलिए हमारा स्टडी चालू है उसके बारे में। लेकिन जैसे भी ये रोबोटिक्स इम्प्लांट रोबोटिक्स इंडिया में आ जाएगा, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो बॉम्बे में लोग रहते हैं उनको ये अवेलेबल हो, मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए। आपको मालूम है बॉम्बे के सब लोग अमेरिका जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, तो उनको वो नहीं होना चाहिए जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि स्वदेशी में होना चाहिए। वैसे वहाँ के लोग जो मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं वो करने के लिए इंडिया में आना चाहिए, तो पैसा इंडिया के पास भी रहेगा और हमारे देश का नाम भी उन्नत हो जाएगा, ये हम लोग सोच रहे हैं। आने वाले जो दिन है उसमें पहला तो हिंदी में करना है, मतलब अपनी राष्ट्रीय भाषा है, और उसके बाद में मेनली हमको अमेज़न पे जाना है, ई बुक करना है, ऑडियो बुक करना है, क्योंकि वैसे सब लोग की डिमांड है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग बुक पढ़ते नहीं है लेकिन बिजी रहते हैं, कार चलाते वक्त तो उनको ऑडियो बुक चाहिए, तो ये सब लोग हमारे पास पीछे बोल रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, तो वो करने का भी हमारा प्लानिंग है। और मेनली ई बुक जिसे बोलते हैं, क्योंकि आजकल लोग ऐसा पेपर बैग को कैरी नहीं कर पाते, अब उनके पास किंडल होती है या फ़ोन पे अवेलेबल हो तो वो कहीं भी दुनिया में बैठ के ई बुक पढ़ सकते हैं, तो वो चीज़ अब हमारा नेक्स्ट प्रयास होगा कि हम वो जल्द से जल्द करें। सर पूरे बोल एक्चुअली मुझे बहुत गर्व हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि जो डॉक्टर उदय दामनकर का इतने सालों का सपना था कि वो एक ऐसी बुक मिली है जिससे जो पेशेंट्स उनके पास नहीं पहुँच पाते लेकिन उनके नॉलेज के लिए आज साकार हुआ है। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात में है कि आज ये बुक 3 languages में लॉन्च हुई है। आपको पता ही है हमारी मराठी बुक जो लास्ट ईयर रिलीज हुई थी उसके ऑलरेडी 1000 copies बिक चुके हैं। उसके बाद में हमसे रिक्वेस्ट की गई डॉक्टरों के पास, रोज़ लोग आते थे, ये बोले प्लीज सर हमारे लैंग्वेज में ताकि हमारे पेरेंट्स भी इसे समझ सकें और ऐसी लैंग्वेज जो हमारे दूसरे करें। प्लस हमारे बहुत सारे NRI पेशेंट्स जो अभी ये लिपियाँ पढ़ना भूल रहे हैं तो उनके लिए इंग्लिश, तो आज 3 languages में रिलीज हो रही है, तो ये हमारा सबसे बड़ा सपना आज सकता है। पहला जो बुक आया था वो मराठी में आया, जैसे हमारे सब पेशेंट जो वेटिंग रूम में बैठे थे वो बोलते थे कि सर हमको ये तो समझ में नहीं आता, हमको इंग्लिश चाहिए गुजराती चाहिए, इसीलिए हम लोग ने सोचा कि उनके लिए ही बुक लिखे। अच्छा इंग्लिश इसीलिए लिखा क्योंकि इंग्लिश अभी राष्ट्रीय लैंग्वेज हो गई है, सबको आता है, तो इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी था, बहुत NRI पेशेंट हमारे पास है उनको समझने के लिए। और मुंबई में आपको मालूम है सबसे ज़्यादा लोग गुजराती रहते हैं, उनके ऊपर होटल चलते हैं, उनके ऊपर हर बिजनेस चलते हैं, तो गुजराती में होना तो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोगों ने।